राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले आरपीएससी बड़ा मुद्दा है। सचिन पायलट ने इस पर अपनी मांग रखी। उनका कहना था कि आरपीएससी को भंग करके फिर से गठित किया जाए, लेकिन सरकार ने कई बार जवाब दिया कि आरपीएससी संवैधानिक संस्था है, उसको हम भंग नहीं करेंगे। अब सचिन पायलट फिर से वापस शांत हो जाते हैं और युवाओं के मन में वो मुद्दा बना रहता है। युवा चाहता है कि उस मुद्दे को कोई बोले, कोई कहे और कोई आवाज उनकी उठाए। अब इस बीच वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी, जिन्होंने उस पर एक बात कही है, उनका कहना है, एक सुझाव है कि अगर 3 महीने के लिए उन्हें आरपीएससी का चेयरमैन बना दिया जाए तो जो भी चीजें वहां पर हो रही हैं वो ठीक हो जाएंगी। उनके साथ युवाओं का एक बड़ा समूह भी है, युवाओं ने सपोर्ट किया है, कई युवाओं ने लिखा है कि आपको आना चाहिए, उससे बड़ा उन्हें फायदा होगा। उम्मीद की किरण के रूप में पंकज चौधरी इसमें सामने है और हमारे साथ मौजूद है। समझते हैं कि आखिर वाकई में आरपीएससी जैसे मुद्दे पर उन्हें क्यों बोलना पड़ा। एबीपी न्यूज में आपका बहुत स्वागत है पंकज सर। जिस तरीके से आपने एक ट्वीट किया है सोशल मीडिया पर कि 3 महीने के लिए आपको अगर आरपीएससी की कमान दी जाए तो आप तमाम चीजें ठीक कर देंगे, क्या लगता है आपको कहां पर दिक्कतें होंगी? आपने क्या कोई एक ब्लूप्रिंट बनाया है, क्या है युवाओं के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये मानता हूं कि किसी भी संवैधानिक संस्था के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप आक्षेप नहीं आना चाहिए, कार्य से दूषण नहीं होती है। लेकिन अगर किसी आयोग के ऊपर, उनके चेयरमैन, उनके सदस्यों के ऊपर, उनके स्टाफ के ऊपर अगर बात जाती है तो इसका प्रभाव पूरे प्रदेश के युवाओं के ऊपर जाता है। और मैं चूंकि वैसे बैकग्राउंड से हूँ जहाँ से हम लोगों ने अपने शुरुआती जीवन में भारत के विभिन्न लोकसभा आयोग का परीक्षाएँ दी हैं और ईश्वर की कृपा से अंततः यूपीएससी के माध्यम से आईपीएस में चयनित हुए हैं। हम लोग बहुत ही हमारे से जितने भी युवा हैं जो पूरे देश में ऐसे विभिन्न एग्जामों में शामिल होते हैं, आयोग के एग्जामों में शामिल होते हैं, वो हमेशा आयोग को एक कह सकते हैं कि बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उसको एक मंदिर के रूप में देखते हैं और वो उनके लिए प्रश्न ही होता है कि अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्या है, वो उनके ऊपर प्रश्न ही आता है क्योंकि वो बड़ा विश्वास के साथ उस एग्जाम में बैठते हैं, उस आयोग की एग्जाम में बैठते हैं। लेकिन दुर्भाग्य जब किसी आयोग के विभिन्न एग्जामों के पेपर लीक होना, उनके सदस्यों का जेल जाना, उनके कार्यप्रणाली पर जब बार बार प्रश्न चिन्ह आता है, एक दो बार कोई घटनाएं होती हैं तो वो इग्नोर करने लायक हो सकती हैं, लेकिन जब बार बार ये घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं जो युवा जो लगातार उस परीक्षाओं के दौर से गुजर रहे हैं उनको एक मानसिक क्षति होती है, उनके विश्वास को, उनके जो सपने हैं उसका आघात लगता है। और जो नए छात्र या विद्यार्थी या उम्मीदवार जो भविष्य में अपने जीवन आयोग के माध्यम से विभिन्न सर्विसेज के माध्यम से आना चाहते हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं मानसिक आघात लगता है। जिस प्रकार आरपीएससी में पिछले काफ़ी समय से हम लोग लगातार मीडिया के माध्यम से, चूँकि मैं खुद एक पुलिस अधिकारी हूँ तो हमारे बहुत से आईपीएस अधिकारी बोर्ड्स में जाते हैं, उसमें बच्चों के इंटरव्यू देते हैं, तमाम चर्चाएं होती हैं, तमाम सूत्रों से जो जानकारियां मिलती हैं उससे जो स्थिति निकल के आती है वो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। और मुझे लगता है कि कुछ एक हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इन परिस्थितियों में, इन हालात में एक सच्चा नागरिक होते हुए, प्रदेश के लिए जागरूक होते हुए हमने कुछ सुझाव माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित किया है, जिसके कुछ बिंदु मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर वो बिंदु की पालना हो। जरूरी नहीं है कि आप पंकज चौधरी को ही आरपीएससी का चेयरमैन बनाएं, भविष्य में किसी को भी बनाते हैं तो अगर उस रूपरेखा पर चलते हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो डैमेज है वो कंट्रोल होगा और यूथ का विश्वास कायम होगा। एक चीज ये माना जा रहा है कि आरपीएससी में जितने भी सदस्य बन रहे हैं उनकी भूमिका को लेकर के, उनकी पृष्ठभूमि को लेकर के, यही बात सचिन पायलट भी कह रहे थे कि उनकी पृष्ठभूमि तय होनी चाहिए, कहाँ से आ रहे हैं, उनकी क्या पृष्ठभूमि रही है, उन्होंने कैसा काम किया है। आपको लगता है कि जब आपको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, मान लीजिए दे दी जाती है, तो क्या आप इन तमाम दबावों से ऊपर उठ करके उस काम को कर पाएंगे जिस पर युवा आपको सपोर्ट कर रहे हैं? वो बिंदु क्या है, वो पॉइंट्स क्या है, वो जो आपने ब्लूप्रिंट बनाया है, जरा युवाओं को बताएं कि वो ब्लूप्रिंट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? देखिए, उस बिंदु को मैं डायरेक्ट सीधे आपको शेयर कर रहा हूँ, जो हमारे 5 जो ग्रेट बिंदु हैं आरपीएससी में सुधार के 5 ग्रेट बिंदु जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं प्रेषित करने जा रहा हूँ। जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान प्रदेश के चयनित प्रतिष्ठित सामाजिक सरकार के निगर प्रतिभाशाली कर्मठ, ईमानदार, निष्पक्ष
और यूथ के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों का आरपीएससी चेयरमैन व सदस्य के रूप में चयन है। नंबर टू, पेपर बनाने के दौरान सभी सवाल बिल्कुल प्रमाणित, सवाल का हर शब्द इंग्लिश और हिंदी में समान अर्थ के साथ हो, पेपर पूरी गोपनीयता और विधि प्रक्रिया के तहत तैयार हो ताकि किसी भी परीक्षा को मान्य न्यायालय जाने का हमें मौका न मिले। नंबर तीन, आरपीएससी के समस्त पुराने जो स्टाफ है, क्योंकि अभी विश्वास की बात आ रही है, तो जो इतने पुराने स्टाफ है उसकी तत्काल छंटनी की जाए, नए सिरे से समस्त नियुक्तियां जारी हो उसमें, और चयनित जो अधीन स्टाफ है उसकी कार्यशैली, उसकी इंटीग्रिटी और उसकी ईमानदारी जो है वो सर्वोच्च लेवल पर, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। चौथा जो इम्पोर्टेंट बिंदु है वो है सभी परीक्षाओं का कैलेंडर और विज्ञप्ति समय पूर्व तैयार हो जाए। इसके अलावा परीक्षा की संचालन की एक स्पेशल टीम गठित हो जिसके ऊपर पूरी पेपर की जिम्मेदारी तय हो। नंबर पांच, जो एक एक्सटर्नल जो एफर्ट हम प्रभाव देखते हैं, जैसे जो कोचिंग माफिया हैं, जो स्थानीय दलाल हैं, जो हम लगातार सुनते हैं, वो किसी भी हालत में किसी प्रकार से आरपीएससी की में उनका प्रवेश वर्जित हो, और जो भी राजनीतिक दबाव और प्रभाव का प्रयोग जो भी अभ्यर्थी या जो भी उम्मीदवार करता है उसको आरपीएससी के भविष्य में आने तमाम सभी परीक्षाओं के लिए जो है डीबार घोषित किया जाए। तो ये पांच ऐसे बिंदु हैं जिसकी अगर रूपरेखा आरपीएससी के लिए गठित करी जाती है तो ये मान के चलिए कि जो विश्वास डगमगाया हुआ है वो कुछ समय के बाद ये विश्वास कायम होगा, और जो यूथ है वो इन्हीं बिंदुओं की रूपरेखा को क्रियान्वित होते हुए जब देखेगा तो वो ये महसूस करेगा कि अब हमें आरपीएससी से एग्जाम को हमें बड़े विश्वास के साथ देना है, और जो भी मेरिट पे होगा, जो भी योग्य लोग होंगे, सक्षम लोग होंगे, कानून के तहत जो लोग होंगे उनका चयन होगा। सचिन पायलट ने आरपीएससी भंग करने की मांग की थी और पंकज चौधरी जी का कहना है कि उसके जो ओवर हॉलिंग है वो ठीक करना है, भंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर, जिस तरीके से युवाओं ने आपको सपोर्ट किया, ट्विटर पर मैं देख रहा था, तमाम यूथ थे अलग अलग तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि आप अगर आएंगे तो चीजें बदलेंगी, आपके जो कार्यशैली है उससे भी काफी लोग परिचित हैं, प्रभावित हैं। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि अब इसके लिए क्या आप क्या मुख्यमंत्री से भी मिलना चाहेंगे, या आप क्या प्लानिंग रहेगी, क्या आपको फीडबैक मिल रहा है लोगों से? देखिए, मैं चूंकि इस दौर से गुजरा हुआ हूँ तो मैं युवाओं के दर्द को समझ सकता हूँ, और पीड़ा भी होती है कभी कभी, जब इस तरह की बातें सुनते हैं तो एक दुख भी होता है। क्योंकि जब हम लोग एग्जाम दिया करते थे तो हम लोग ईश्वर से ही मनाते थे कि ईश्वर काश जिस आयोग में हम परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश आयोग हो, बिहार का हो, हिमाचल का हो, उत्तराखंड का हो, किसी भी स्टेट का, तो हम ये मानते हैं काश इसका चेयरमैन, इनके सदस्य बहुत ईमानदार हों, बहुत पारदर्शी हों, निष्पक्ष हों, ताकि जिस एग्जाम में हम बैठे तो उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि न हो जाए। इसी प्रकार अगर आज की युवा अगर एग्जाम दे रहे हैं तो इनकी भावना भी यही रहेगी कि काश आरपीएससी का चेयरमैन बहुत ईमानदार हो, पारदर्शी हो, उसकी कार्यप्रणाली बहुत अच्छी हो, उसके सदस्य बहुत अच्छे हों, निष्पक्ष हों और प्रतिभाशाली हों। तो ये जो बातें हैं कहीं न कहीं इसको ना सिर्फ रिकॉर्ड पे होना है बल्कि उसका प्रभाव भी परिलक्षित होना है। तो मैं तो यूथ के साथ इतना ही कहना चाहूंगा कि एक ऐसा क्षण है जहाँ पे कि किसी संस्था पे, आयोग पे प्रश्न लग रहा है, और प्रश्न ऐसे ही नहीं लग रहा है, वो प्रश्न लगातार प्रमाणित हो रहा है, विद एविडेंसेस के साथ वो लोगों के बीच आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक डैमेज जो है उसको कंट्रोल करने का आवश्यकता है। और अगर इस प्रकार का माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं पत्राचार के माध्यम से मैं लिखित में भेज रहा हूँ, अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे सुझावों को गंभीरता से देखते हैं, चिंतन करते हैं और वो मुझे मौका देते हैं, तो समय विशेष की परिस्थितियों में मैं युवाओं के लिए जो है उनके लिए मैं उनके संघर्ष में उनके तमाम उनकी भावनाओं के साथ मिल रहा हूँ, और कोशिश है कि अगर आरपीएससी बेहतर होगी तो प्रदेश का नाम होगा, मुख्यमंत्री का नाम होगा और यहाँ के लोगों का नाम होगा। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी। पंकज चौधरी ने जिस तरीके से राजस्थान के पुलिसिंग में काम किया है, इनको जो भी विभाग मिला है वहां पर इनका जो टीआरपी कहते हैं वो हाई रहा है। इनके बारे में राजस्थान से बाहर भी लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, समझना चाहते हैं। इनके इस मुद्दे के बाद तमाम प्रदेशों से भी अधिकारियों के मैसेजिंग और फोन आ रहे होंगे, ट्विटर्स पर जो रिप्लाई आ रहा है उस पर दिख भी रहा है। वो जानना चाहते हैं कि अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो क्या सरकार कितनी गंभीर है। सरकार गंभीर होती है तो वाकई भी बड़ा बेहतरीन क्षण होगा जब इस तरह की चीजों पर एक निडर और विश्वसनीय अधिकारी को मौका दिया जाएगा। एबीपी लाइव के संतोष कुमार पांडे, जयपुर।